टेक स्टडी में आप सबका स्वागत है। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2, डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स। ये क्लास 9th NSKF IT का पार्ट है, यूनिट 2, डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स। बेसिकली आप देखोगे बुक के ऊपर डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर लिखा हुआ है, ये आपका जॉब रोल है, ठीक है? तो आप इसे बुक का नेम मत समझना। ये इन फ्यूचर जब आप लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर ले, तो यानी कि क्लास 9th और क्लास 10th में NSKF IT का सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हो, अच्छे तरह से समझ लेते हो, तो इन फ्यूचर कभी भी किसी कंपनी में जाओगे तो डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के आप जॉब हासिल कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2, डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स। इंट्रोडक्शन पहले हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू इन्हेंस ऑपरेशनल स्किल्स इन द यूज़ ऑफ कीबोर्ड्स, नॉलेज ऑफ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कीबोर्डिंग स्किल्स एंड टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स हैज़ बिकम इनएविटेबल टुडे। आज की टाइम में आपको कंप्यूटर का यूज़ आना चाहिए, कंप्यूटर स्किल आनी चाहिए, उसकी नॉलेज पता होनी चाहिए, एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में कीबोर्ड का यूज़ पता होना चाहिए, और साथ साथ कैसे टाइप करते हैं उसकी, करेक्ट वे में कैसे टाइप करते हैं उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो आज के टाइम में। इन दिस यूनिट, इस यूनिट में हम यह पढ़ेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ कीज पढ़ेंगे, टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स मतलब के टाइपिंग करने के करेक्ट वे कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे, पोजिशनिंग ऑफ फिंगर्स कीबोर्ड के ऊपर हम कैसे रख सकते हैं वो चीज़, और टच टाइपिंग मेथड हम सीखेंगे कि टाइपराइटर पे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के टाइपिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं जिससे हम अपनी कीबोर्ड स्किल्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि सभी IT स्टूडेंट तक ये चैनल्स के ट्यूटोरियल पहुंच सके और उनको नॉलेज हासिल हो सके। आज की वीडियो में जितना हम कवर कर लेते हैं उसके आगे कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। कीबोर्ड स्किल्स। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? एक टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस है, यानी कि एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। कंप्यूटर जो कीबोर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कीबोर्ड की तरह ही होता है, इसमें एडिशनल कीज होती है साथ में, ठीक है? इसमें जनरली बेसिकली 100 कीज तक होती है, 100 कीज से ज़्यादा ही होती है जो आप नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर देखते हैं। और अगर हम एडवांस फीचर में जाते हैं जैसे गेमिंग कीबोर्ड हो गया या फिर कोई मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो गया, तो उसमें कीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है? 100 to 107 नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर आपको कीज़ मिलेगी। ईच कीज़ ऑफ अ कीबोर्ड करस्पॉन्ड टू अ सिंगल सिंबल। हर कीबोर्ड के अंदर एक सिंगल सिंबल होती है, सब कीबोर्ड सब की के ऊपर एक सिंगल सिंबल लिखी होगी। सम सिंबल्स रिक्वायर्स प्रेसिंग एंड होल्डिंग सेवरल कीज साइमल्टेनियसली और इन सिक्वेंस। कई सारी की को प्रेस करने के लिए हमें दूसरी कीज़ का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि अगर हमें हाइफन टाइप करना है तो हम शिफ्ट दबा के और 1 प्रेस करेंगे तो हाइफन टाइप हो जाएगा, ठीक है? जो 1 2 3 4 5 6 ये लिखे रहते हैं इनके ऊपर आप देखोगे सिंबल कीज़ टाइप होते हैं ऑलरेडी, तो हम इन कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड आर ऑल्सो यूज फॉर कंप्यूटर गेमिंग। कीबोर्ड का यूज़ गेमिंग खेलने के भी काम आता है, ठीक है? और रेगुलर कीबोर्ड और बाई यूजिंग कीबोर्ड विद स्पेशल गेमिंग फीचर। हम कंप्यूटर में जो गेम होते हैं वो रेगुलर कीबोर्ड से भी खेल सकते हैं या फिर गेमिंग फीचर वाले कीबोर्ड से भी हम गेम खेल सकते हैं। अब बताएं इसमें टच टाइपिंग क्या होती है। टच टाइपिंग मेथड वो मेथड होते हैं जिसके जरिए हम बिना सेंस ऑफ साइट का यूज़ कर सके, यानी कि बिना देखे, बिना कीबोर्ड के देखे जब हम टाइप करते हैं, कीज़ को फाइंड करते हैं और टाइप करते हैं, वो टच टाइपिंग कहलाया जाता है। इसे हम टच टाइपिंग रूल भी कह सकते हैं, टच टाइपिंग टेक्निक भी कह सकते हैं, ठीक है? तो टच टाइपिंग इज अ मेथड ऑफ टाइपिंग विदाउट यूजिंग द सेंस ऑफ साइट टू फाइंड द कीज, ओके? टाइपिंग स्पीड जनरली इम्प्रूव विद प्रैक्टिस। कोई भी टाइपिंग स्पीड होती है अगर आपको बढ़ानी है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो सकती है। आप प्रैक्टिस करके 60 वर्ड पर मिनट
तक इंक्रीज कर सकते हो या उससे भी ज़्यादा आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर, अलग अलग तरह के टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, इनमें से किसी से भी आप सीख सकते हो, जैसे कि कैलिब्रा, टेस्ट टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग ट्रेनर, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, स्टेमिना टाइपिंग ट्यूटर, कूल टाइपिंग ट्यूटर, एनालिटिक आई टाइपिंग ट्यूटर। आपकी यूनिट में रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के बारे में बताया गया। आप बेसिकली ए से लेकर एफ तक कोई सा भी टाइपिंग ट्यूटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप रैपिड टाइपिंग ट्यूटर सीखोगे तो उसमें आपको इजी वे में समझा रखा है कि कैसे आप कीबोर्ड की कीज़ को यूज़ कर सकते हो। टाइप्स ऑफ कीज़, कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती है उसके बारे में हम पता करेंगे। पहली कीज़ होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती है ए टू जेड एंड 0 to 9। ठीक है, ए बी सी डी ये होती है, ये सारी अल्फ़ाबेट कीज़ होंगी, और नंबर कीज़ कौन सी होती है 0 to 9। ठीक है, पंक्चुएशन कीज़, पंक्चुएशन कीज़ क्या होती है, जो पंक्चुएशन डालने के काम आते हैं, जैसे कि कॉमा, पीरियड, पीरियड मतलब फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है, ये देख रहे हो आप, एंड सो ऑन। और इसके अलावा भी बहुत सारी कीज़ होती हैं। ऑल्सो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि मैथमेटिकल साइंस होते हैं, मैथ के साइन होते हैं, वो भी इन कीज़ में आते हैं, जैसे कि प्लस का, माइनस का एंड इक्वल का। ऑल्ट की, शॉर्ट फॉर अल्टरनेट, ऑल्ट की मतलब होता है अल्टरनेट की होता है, ये सेकंड कंट्रोल की होती है, ये सेकंड मतलब कि इसको सेकंड कंट्रोल की भी बोला जाता है, कंट्रोल करने के काम आती है। ठीक है, इसका कई जगह यूज़ होता है, जब आप टाइपिंग करोगे तो आपको पता चलता है। ठीक है, जैसे कंट्रोल प्लस ए होता है, वैसे ऑल्ट प्लस F4 होता है शट डाउन करने के लिए, शॉर्टकट कीज में भी काम आता है ऑल्ट की। ठीक है, एरो की, देर आर 4 एरो कीज टू मूव द कर्सर, 4 एरो कीज आती हैं कर्सर को मूव करने के लिए, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो रखा है तो उसको इग्नोर कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए। 4 टाइप की एरो कीज होती है, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, इन पे आइकन बने होते तीर के। ठीक है, एरो कीज कैन बी यूज्ड फॉर कंजक्शन, एरो की का यूज एज अ कंजक्शन यूज होता है, दो कीज को मिला के भी यूज हो सक कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे आपको शिफ्ट और ऑल्ट की, अगर आपको शिफ्ट और ऑल्ट की का यूज करके आप कर्सर की तरह इसको यूज कर सकते हो, अपने है ना कर्सर की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। कर्सर बेसिकली जो ब्लिंक करता है जहाँ पे आप लिखते हो वो चीज होता है। ठीक है, तो आप एरो की का यूज कर सकते हो। बैक स्पेस की, डिलीट द करेक्टर जस्ट टू द लेफ्ट, आपको लेफ्ट से कीज़ को डिलीट करना है तो बैक स्पेस कीज़ दबाओगे। ठीक है, कैप्सलॉक कीज़, कैप्सलॉक कीज़ अगर आपको, ये टॉगल की भी कहा जाता है, ठीक है, अगर ये एक्टिवेट हो जाता है तो सभी करेक्टर आपके कैपिटल में लिखे जाते हैं, यानी कि अपर कीस में। नेक्स्ट की आती है कंट्रोल की, ये कंट्रोल की होती है, ये बेसिकली कंजक्शन की मानी जाती है, ये हमेशा दूसरी कीज के साथ काम करती है। ठीक है, जैसे कंट्रोल ए यानी कि सेलेक्ट ऑल, सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर तो कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं। ठीक है, डिलीट की, डिलीट की क्या होती है, जो राइट हैंड साइड के जो करेक्टर होते हैं, टेक्स्ट होता है, उसको डिलीट करने के काम आती है। ठीक है, और अगर आप किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हो और डिलीट प्रेस करते हो तो वो क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। एंटर की और रिटर्न की, एंटर की को रिटर्न की भी बोला जाता है, ये 9th पॉइंट है। इट इज़ यूज टू एंटर द कमांड, आपने कमांड लिखी अब उसे अंदर फीड करना, डालना है। ठीक है, तो आप एंटर दबाओगे, प्लेस करोगे। ठीक है, या कर्सर को बिगनिंग में लाना है, यानी कि न्यू लाइन से आपको लिखना है तो एंटर दबाओगे तो न्यू लाइन पर आ जाओगे। 10th पॉइंट, स्किप की, स्किप की इज यूज टू सेंड स्पेशल कोड्स टू डिवाइस, डिवाइस को स्पेशल कोड सेंड करने के काम आता है स्किप, या फिर एग्जिट करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को एग्जिट करना है तो स्किप की काम आती है। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम या टास्क के अंदर।
लास्ट पॉइंट आता है 11th, फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ होता है, ये स्पेशल टाइप की कीज़ होते हैं जिनके लेबल होता है F1 से लेकर F12 तक। दीज कीज़ हैव डिफरेंट मीनिंग, हर कीज़ का एक अलग मतलब होता है जो कि प्रोग्राम पे डिपेंड होता है, ठीक है। टाइप ऑफ कीज़ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि हम अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।